रामनवमी पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि बुढ़िया माता मंदिर पर चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। सभी नारियल, चुनरी, अगरबत्ती, कपूर, फूल, माला आदि लेकर माता की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किए। वहीं श्रद्धालुओं ने मां से अपनी मनवांछित मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना भी की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंदिर व्यवस्थापक बलराम राजवर, मंदिर पुजारी व श्रद्धालुओं ने बताया। लेकिन नवरात्रि जब प्रारंभ होती है, बरसात के कारण अभी भीड़ में यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। जो बुढ़िया माता के मंदिर पे जो भी कोई मान्यता मान देता कि हे माता जी हमारा एक कार्य हो जाए तो मैं कुछ भी चढ़ाऊँगा, उनका व्यवस्था होती है। और नवरात्रि में पहले दिन से ही अपार भीड़ होती है, जो कि बरसात थोड़ा सा कम है लेकिन दोपहर तक भीड़ हो जाएगी। यहाँ लाइन घंटों तक लगी रहती है। कितनी किस तरह की मनोकामना यहाँ? मनोकामना यहाँ बुढ़िया माता का ऐसा ये है, बुढ़िया माता की कृपा ऐसी है, किसी भी तरह दूर दराज यहाँ तक नेपाल तक के भी लोग आते हैं। कोई भी चीज़ हो, मान्यता है कि जो माता जी से अपना आग्रह कर लेता उनका कार्य पूरा हो जाता है। वो आके पूरा जो भी मतलब है, देखिए जो भी अगल बगल कार्य हुए सब दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं का ही बनाया हुआ है। क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में देखिए, इनका इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है मंदिर के बारे में। एक बुढ़िया माता मंदिर, क्या नाम है, इसी नदी में एक काठ का पुल था। उस पुल पे कुछ बारात वाले और नाच वाले जा रहे थे, तो माता जी एक वृद्धा का रूप पकड़ के उसी पुल पे बैठी थी। उन्होंने उन लोगों से नाचने के लिए कहा। नाच वाले बोले कि माता जी हम लोग उधर से वापस होकर आएंगे तो हम लोग नाच देंगे। तीसरे दिन बारात उधर से आई तो उसमें का जोकर पहले आगे आ गया नाच वाला, तो उसमें और जालपा होकर माता जी बीच पुल पे बैठी। उन्होंने कहा कि बेटा नाच के दिखा दो, तो उन्होंने अपना जोकर कूद उद के आगे बढ़ गया। पीछे से बारात आई तो उन लोगों ने माता जी का मजाक उड़ा दिया। तो ठीक बोली माता जी, ठीक नहीं नाचोगे, जाओ तुम लोग। अजय लोग मध्य पुल पे बीच में पूरे बारात और नाच वाले पहुँचे, माता जी ने पूरे पुल लेके नीचे बैठ गई। तभी से इसको का नाम है बारात गाड़ा ढाड़ा कुंड देवी के नाम से प्रचलित हो गई। हाँ, तो आज नवमी का पहला दिन है तो इसलिए सब लोग श्रद्धा से मंदिर जाते ही हैं, तो हम लोग भी इसी कारण आए हैं। और यहाँ की मान्यता है कि बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, तो माता जी का दर्शन करने से सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है। कितने सालों से आ रही है? यही लगभग 20 सालों से। हाँ सही है, हम तो बोलिया रेलवे कॉलोनी से आए हैं। आज हम लोग नवरात्र स्टार्ट हुआ है तो हम लोग सोचे पहली शुरुआत माता के दर्शन से ही हो, इसलिए बुढ़िया माता के मंदिर में आया गया है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम लोग यहाँ कई वर्षों से आ रहे हैं, मतलब जब से बचपन से ही आया जा रहा है, जो भी मन्नत मांगा गया यहाँ पे हम लोग का पूरा हुआ है। कहाँ से आई? हम लोग झुंझुनू से। जनपद में